साप्ताहिक बाजार, विद्यालय, मंदिर और व्यस्त आवाजाही वाले इतवारी बाजार क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर मांस मटन की दुकानों ने आम लोगों की परेशानी बढ़ाकर रख दी है। आए दिन इसे लेकर समस्याएं हो रही हैं। वहीं आसपास के जनजीवन पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि नगर निगम नोटिस देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि मांस कारोबार करने वाले चाहते हैं कि उन्हें दूसरे स्थान पर विस्थापित किया जाए। नगर निगम कोरबा के अंतर्गत बुधवारी बाजार क्षेत्र में स्लाटर हाउस की व्यवस्था पर पिछले वर्षों में लाखों रुपए खर्च करने के साथ समस्या को नियंत्रित किया गया। यहां पर सब्जी बाजार के सामने के हिस्से में स्लाटर हाउस चलाया जा रहा है। यहां पर मांस के शौकीनों की जरूरत पूरी होती है। इसी तरह की मांग इतवारी बाजार क्षेत्र के मामलों में भी होती रही है, लेकिन अब तक कोई काम नहीं हुआ। नतीजा यह है कि यहां पर मुख्य मार्ग पर ही सार्वजनिक रूप से मांस की कटिंग करने के साथ उसका प्रदर्शन और बिक्री की जा रही है। आसपास में किराना दुकान है और अन्य सामानों से जुड़े कारोबारी इस बात को लेकर खासे नाराज हैं। उन्होंने आसपास की व्यवस्था पर असर पड़ने की बात कही। इनका आरोप है कि नगर निगम नोटिस देने तक ही सीमित है, उनकी ओर से कार्रवाई जीरो है, जबकि कई मौकों पर मांस के अपशिष्ट सहित दूसरी चीजों के आकर्षक में कुत्तों के हमले हुए हैं और लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं। परेशानी है ना, कुत्ते यहाँ तो पब्लिक लोग को इतने कुत्ते दौड़ाते हैं कि कितने जने को तो काट चुके हैं। हाँ, अब मुर्गी यहाँ खाली होता है, पूरा हम लोग के दुकान में देना जा रहा है, पब्लिक आ नहीं रही है। हाँ, बहुत प्रभावित हो रहा है इससे। तो बहुत बार आ चुके हैं, देख कर चेक इन कर गए हैं, उन लोग बोल कर गए हैं, इन लोग काटना है तो अंदर रखो, अपना कटिंग करो। वो तो पूरे बाहर रहते हैं ना, उसके वजह से कुत्ते तो पूरे पब्लिक, कई पब्लिक को काट चुके हैं यहाँ पर। क्षेत्र के कारोबारी बताते हैं कि मुर्गियों के पंख उड़कर हमारे यहाँ आने से ग्राहकों का आना जाना बंद हो गया है। ये है कि दुकानदारी खराब हो रही है इससे, और खुले आम कट रहा है, सामने स्कूल है, जिसके चक्कर में दिक्कत हो रहा है। क्या पंख उड़ के आता है, उसके चक्कर में ग्राहक नहीं आते, हाँ। बातचीत की हो या कहीं निगम में शिकायत हो रही है इस चीज की? निगम में शिकायत हो चुका है। क्या कहते हैं निगम वाले? निगम वाले ये भी बोल के गए हैं कि अंदर कटिंग करिए, बाहर कटिंग मत करिए। जबकि मांस मटन का व्यवसाय करने वाले तर्क देते हैं कि काफी समय से यहां पर काम चल रहा है, कुछ लोगों की वजह से दिक्कतें हो रही हैं। हम चाहते हैं कि कुछ भी इलीगल ना हो, इसलिए नगर निगम को उचित विकल्प देने के साथ हमारी दुकान को यहां से व्यवस्थापित कर देना चाहिए। भाई हमको मतलब ये कहना है कि हमको यहां से हटा रहे हैं तो हटाइए, हमको जाने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारी व्यवस्था करके दीजिए, हम जाने का तैयार है। और ऐसे जगह दीजिएगा कि जहां हमारे को आदमी कस्टमर जाए आए, ये कि मतलब यहाँ से ले कर सीधा मतलब आप वहाँ बालकू भेज दिए, उधर उर्गा तरफ भेज दिए, तो वहाँ कौन जाएगा एक पाव लेने के लिए? अब अनलीगल है भैया, जिसका भी दुकान है सब बाहर लग रहा है, किसको अंदर कराएंगे? यहाँ से उस मोड़ से लेके इस मोड़ तक पूरा अनलीगल काम कर रहे हैं। तो भैया चार दुकान अंदर कराइएगा, बाकी टोटल देखिए सबका बाहर है। आप पूरा दुकान की तरफ देखिए, सब अनलीगल है। ऐसे में इसी का आदमी उंगली कर रहा है, जो वो ना कमाए खाए उनको तकलीफ हो रही है। नाम तो है चिकन मार्केट, चिकन तो वहाँ कोई भी आ सकता है, कोई भी ग्राहक आ सकता है। और आज भैया आज के ज़माने में ना खाने वाले 60% 70% है, और 30% के लिए पूरा यह हंगामा हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। इससे पहले भी समय समय पर इस तरह के मामलों को लेकर बात होती रही है और निगम की टीम के द्वारा यहां पर सर्वे कराया गया है, लेकिन इसके आगे कुछ भी नहीं हो सका। एक बार फिर मुख्य मार्ग पर किए जा रहे मांस के कारोबार को लेकर विवाद बढ़ रहा है। इतवारी बाजार में सब्जी भाजी और अन्य सामानों की खरीदारी करने सहित दूसरे स्थानों पर आवाजाही करने में लोगों को होने वाली परेशानी कैसे दूर हो सकती है, इसके लिए नगर निगम के आयुक्त को ध्यान देने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए पवन तिवारी के साथ मनोज यादव।